हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? हम लोग एकदम ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ आप भी मजे में होंगे। तो हम गांव का तीसरा व्लॉग लेकर आ गए हैं और इस व्लॉग में काफ़ी मज़ा आने वाला है। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हमको देखने को मिलने वाली हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर साहब और बच्चे बातें कर रहे हैं। आरवी सोच रहा है कि वो क्या करे, वो फिशिंग करे या वो इस पानी में देखना चाहता है कि क्या क्या उसको मज़ा कर सकता है वो। तो जैसे ही हम लोग घर से बाहर निकले, तो घर से बाहर निकलने के बाद में हमको हाईवे भी दिखा। हाईवे के नीचे एक छोटी सी रोड भी थी। दोनों रोड के तरफ साइड पे सब्जियां उगी हुई थी, तालाब भी था। तो इस तरीके से काफ़ी सुंदर एक प्राकृतिक वातावरण था, एक गांव का प्राकृतिक वातावरण था। ये एक शहर से काफ़ी दूर बसा हुआ गांव है और ये जो गांव है ये पहाड़ों में है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे घर कितने दूर दूर बने हुए हैं, रोड कितनी अच्छी है, यहाँ पे पानी की यहाँ कोई समस्या नहीं है, पानी की कोई परेशानी नहीं है, बिजली की कोई परेशानी नहीं है। तो इन ऑल यहाँ पे ऐसी सड़क की अच्छी सुविधा, पानी की अच्छी सुविधा, बिजली की अच्छी सुविधा नहीं है। और ये जो सब्जियां हैं घर में जो इस्तेमाल की जाती हैं और उसके बाद बची हुई सब्जियों को बाहर शहर में बेच ये दिया जो जाता डॉक्टर है। साहब के फ्रेंड हैं, इनके पापा और मम्मा ने उगाए हैं ये सारी सब्जियां। डॉक्टर साहब जो हैं अब अपने दोस्त के साथ समझ रहे हैं कि भाई ये कौन सी सब्जी है, क्या सब्जी है ये। तो व्हाट्स इनके दिस? दोस्त ने इनको बताया कि ये ग्रीन एक ग्रीन वेजिटेबल्स। वेजिटेबल है और ओके, चाइना में काफ़ी तरीके की ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं। पालक, मेथी, धनिया पत्ती, इनके अलावा भी कई सारे मतलब सब्जियां होती है। और कई सारी आलू के पत्ते हुए या शकरकंदी के पत्ते हुए या और भी दूसरी सब्जियों के पत्ते। तो ऐसे ही बात करते करते ये एक पेड़ दिख गया और इस पेड़ के नीचे कुछ फ्रूट्स गिरे हुए थे और उस फ्रूट का जो लोमी चाइनीज लोमी नेम क्या? है वो गुयांग है और इंग्लिश में वो मतलब लीची जैसा दिख रहा था मुझे। लोंगन। तो बस वो लीची लीची। जैसे ही था स्वाद दिस में, इज बाकी मी इन्होंने दैट खाया भी इज सही स्वीट एट। और इनको वो ओह बहुत या अच्छा भी दिस वाज लगा। अ तो इस तरीके से डॉक्टर साहब आनंद ले रहे हैं अपने दोस्त के साथ गुड। में कि क्या ये दिखा भी रहे हैं कि ये किस तरीके लीची का है ये, फ्रूट लीची। है। और आगे ये चलने लग रहे हैं अब, और भी उठा रहे हैं ये कि भाई और करीब से देखते हैं कि ये क्या है। इसका जो ये छिलका है ये थोड़ा हार्ड है और बाकी अंदर से तो जैसे लीची होती है वैसे ही ये है। डॉक्टर साहब ने खाया भी सही। तो ये आनंद है गांव के, अच्छा लगता है गांव में जाने के बाद में। और हरियाली के तो कहने ही क्या हैं, काफ़ी हरियाली है और मौसम भी काफ़ी अच्छा था। और इनके दोस्त भी इनको बता रहे हैं अच्छा है। किस कौन सा किसका घर चिल्का है, कौन सा चाचा का घर है, इज कौन सा ओके। ताऊजी का घर है। ग्रीन तो इस तरीके वेजिटेबल्स। से इनकी गपशप चल रही है और मैं कैमरा लेकर इनके पीछे पीछे चल रही हूँ। दिख गया मैं, आ जा। तो जब हम लोग चाइना में आए थे नए नए, तो हमको ऐसा लगा था या चाइना आने से पहले लगा था कि वहाँ पे इंडिया जैसी सब्जियाँ मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ खेत में कि कितनी हरी सब्जियाँ हैं और ये जो हम दिखा पा रहे हैं ये बहुत कम है। हम अगर सब्जी मंडी में जाते हैं तो हमको दूर दूर तक इतने तरह की हरी सब्जियाँ या मूली, गाजर, टमाटर, किसी भी तरह की सब्जी में कोई परेशानी नहीं होती है और इतनी सब्जियां नजर आती है। और अब हम भी वो सारी सब्जियां खाते हैं और हमें बहुत अच्छी लगने लगी हैं। और बहुत वैरायटी है, मतलब आई कांट एक्सप्लेन इट, पर इतनी वैरायटी है। अब जैसे मैंने यहाँ आलू के पत्ते भी देखे हैं, या मैंने मतलब गाजर के पत्ते भी देखे। देखे तो इंडिया में भी हैं पर हमने नहीं खाए थे इतने, अब यहाँ पे तो खाते हैं। आलू के पत्ते की सब्जी, गाजर के, मूली के पत्तों की तो खैर अपन खाते ही हैं। और हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। ये दोस्त है अश्विनी के। हेलो, हेलो। फैमिली टाइम एंजॉय किया हमारे डॉक्टर साहब के फ्रेंड की फैमिली के साथ में। और जो खाना था वो भी सारा फ्रेश था। ये
जो सब्जियां है यही खाने में बनी हेल्दी थी। है वो और सेहत के लिए काफी अच्छा है। तो सब्जियों की अगर हम बात करें तो चिंता की कोई जरूरत नहीं है, खूब फल है, खूब सब्जियां हैं और खूब वैरायटी है। हम खाते खाते थक जाते हैं पर वैरायटियां खत्म नहीं होती हैं। और यहाँ पर आरवी अपने पापा से हेल्प ले रहा है, उसको मोबाइल में कोई गेम्स का ऐप इंस्टॉल करवाना है तो वो बोल रहा है कि अब आप मुझे करके दो, क्योंकि बच्चों को तो मोबाइल भी देखना होता है, बाहर भी देखना होता है, तो वो सारे फन एक साथ कर रहा है, घूमना भी, मोबाइल भी देखना, सब कुछ करना। तो ये है, इस तरीके से हमने एक समृद्ध गांव देखा और हमको देखकर बहुत अच्छा फील हुआ। और फिर सब लोग साथ में डिनर के लिए बैठे, सबने साथ में डिनर किया और डिनर भी काफ़ी अच्छा बना था। थोड़ी भूख कम थी तो बस थोड़ा बहुत डिनर खाया और उसके बाद बच्चों ने और भी चीज़ें करी, खेले साथ में और उन्होंने आतिशबाजी भी की, कुछ फटाके वगैरह जलाए। और ये बच्चे आ गए अपनी फुलझड़ियाँ फटाके लेकर, काफ़ी सुंदर मतलब फटाके थे, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे फटाके फोड़े और हमको खूब मजा आया। ये देखिए शानदार, ऐसा लगा जैसे दिवाली मन रही है यहाँ पे परिवार के साथ में, बिल्कुल हैप्पी फीलिंग और हैप्पी फेस्टिवल। इस तरीके से अच्छा लगा कि चलो हमारा भी एक फ्रेंड है, अश्विनी का भी एक फ्रेंड है और उन्होंने साथ में इंजॉय किया। चाइना हमको अपना घर जैसे ही लगने लगा है, ऐसा लगता है कि हमारा सेकंड होम है चाइना। बहुत खुशी होती है अब हमको चाइना में, अच्छा लगता है। फ्रेंड्स तो अब हम लोग घर जा रहे हैं, रात हो गई है काफ़ी और ठंड भी बढ़ गई है, तो अब घर जाते हैं। और बच्चों ने कई सारे फटाके जलाए हैं तो बजाए हैं, खूब मज़ा आया है। जाते समय ये रात हो गई है और ये रोड का नज़ारा है जो हमने रिकॉर्ड किया था। दोनों तरफ लाइटिंग लगी हुई है, ये रोड जो हमको दिख रहा है, हमको लगा कि रोड का व्यू शेयर करना चाहिए तो हम लोगों ने रोड का व्यू शेयर किया है। और बस घर पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। ब्यूटीफुल रोड, ब्यूटीफुल रास्ते। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और लेकर आएंगे बढ़िया बढ़िया शानदार ब्लॉग। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।